हे गाइस, तो चलिए एक छोटी सी चीज पे बात करते हैं। अगर आपको एक काम दे दिया गया है करने के लिए और उसके लिए जो है आपको 6 महीने का वक्त दिया गया है, तो आप वही काम 6 महीने में करेंगे। अगर उसी काम को मैं बोलूं आपको 3 दिन में या 3 हफ्ते में करना है, तो आप वो काम 3 हफ्ते में भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हमें कोई प्रेजेंटेशन 15 दिन में बनाना होता है, तो धीरे धीरे करके हम उसको 15 दिन में बनाते हैं। और अगर वही प्रेजेंटेशन हमें 2 दिन में बनाने को कह दिया जाए, तो हम 2 दिन में बना लेते हैं। एक बार फिर से समझिए कि कई बार क्या होता है कि पूरे के पूरे सेमेस्टर का सिलेबस हम 6 महीने में नहीं कंप्लीट कर पाते, लेकिन जिस दिन एग्जाम होता है उसके एक दिन पहले पूरी रात में पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर ले जाते हैं। आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाता है? इतनी इफिशियंसी आ कैसे जाती है? इतना मोटिवेशन आ कैसे जाता है? तो कहते हैं, डेडलाइन की तलवार जब हमारे गले पे लटकती है, तो हमारा काम अपने आप में बहुत इंक्रीज हो जाता है। एक तरीके से और समझिए कि अगर मेरे पीछे एक मैं मुझे दौड़ने को कह दिया जाए या आप दौड़े, तो शायद आप जो हैं उस तरीके से उतनी इफिशियंसी से ना दौड़े, लेकिन अगर आपके पीछे एक शेर या एक कुत्ता दौड़ा दिया जाए, तो जो स्पीड आपकी पहले होगी उससे डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगी। तो ये इफिशियंसी बढ़ कैसे जाती है? ये बढ़ती है ना आपके मोटिवेशन से, ना मोटिवेशनल वीडियो से, ना किसी से बात करने से, ना ही किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन से। ये सिर्फ होता है जब आपके पास एक डेडलाइन की बात आती है। जहां पे डेडलाइन होता है वहां पे ये मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। व्हेनेवर यू सेट अ डेडलाइन फॉर एनी वर्क, अगर आपको कोई काम उसके लिमिट में करना है तो आप करोगे। जैसे सीएसआईआर का फॉर्म भरना होता है, अगर आपने उन्होंने डेडलाइन दे दिया कि इससे पहले सबमिट करना है, तो एवरीबॉडी विल सबमिट द फॉर्म विद इन डेडलाइन। एग्जामिनेशन डेट अगर उस दिन है, तो आपको उससे पहले सिलेबस खत्म करना ही होता है। सो दैट्स व्हाई अगर आप अपने काम को जितना बेसिकली डेडलाइन बेस्ड काम के तरीके से करेंगे, आपका काम उतना ही इफिशियंटली और उतना ही फास्ट होगा। सो सेट योर टारगेट एंड पुट अ डेडलाइन फॉर इट। जब आप अपने काम को डेडलाइन के बेसिस पे काम करते हैं, सो डेफिनेटली आप काम को काफी इफिशियंटली जो है वो कर पाते हैं। सो ध्यान रखे रहिएगा, सेट योर बेस्ट मोटिवेशन इज योर डेडलाइन। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ सीएसआईआर के लिए जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो मेरे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 5th ऑफ जनवरी से। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय न्यू बैचेस ऑन 5th ऑफ जनवरी। 5th जनवरी से यूज द रेफरल कोड बिरेन और बिरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। थैंक यू, बाय बाय।